सभी लोग को मेरा नमस्कार। और आज मैं आया हूँ आर्टिजन आर्ट गैलरी जो कि पैरेलल भवन में है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक ग्रुप शो लगा हुआ है जो कि मेराकी आर्ट गैलरी ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं, और एक एक पेंटिंग को मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके पहले कुछ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे स्टूडेंट समर श्रीवास्तव की पेंटिंग्स भी लगी हैं, तो उसको देखने के लिए मैं आया था। बाकी और ही बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, उनके बारे में भी आप लोग को मैं बताऊँगा। कुछ कलरफुल पेंटिंग्स हैं, कुछ पेन में वर्क हैं, कुछ एक्रेलिक में, कुछ ऑयल में, एंड बहुत सारे आर्ट वर्क हैं यहाँ पे। और एक अच्छी बात होती है आर्ट वर्क की, जब आप कोई आर्ट एग्जीबिशन देखने के लिए जाते हो तो वहाँ पे सिर्फ पेंटिंग्स नहीं होती, वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं, जिससे कि आप अपनी पेंटिंग, अपनी क्रिएटिविटी को और इन्हेंस कर सकते हो और अपने आइडियाज़ को डेवलप कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और अभी मैं आपको सबको दिखाता हूँ पेंटिंग्स यहाँ।
और यहाँ पे कुछ अब्स्ट्रैक्ट में काम है जो कि आपको कैनवस में दिख रहे होंगे, काफ़ी अच्छा काम है जिसमें डिफरेंट टाइप के कलर्स यूज़ किए गए हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पे स्टिपलिंग में वर्क भी रखे हैं जो कि पेन से किए गए काम है, और काफ़ी पेशेंस भरा काम होता है क्योंकि इसके लिए चाहिए थोड़ा पेशेंस और थोड़ा टाइम भी लगता है। तो आप यहाँ पे आर्ट वर्क देख सकते हैं, और यहाँ पे और भी वर्क हैं जो कि पेन में किए गए हैं, जो कि हमारे स्टिपलिंग में, हैचिंग में एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं, पेन की टेक्निक्स होती है, स्टिपलिंग, हैचिंग, डूडलिंग एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे काम देख सकते हो और काफ़ी ब्यूटीफुल वर्क है, और इसके लिए पूरा एक मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए। और ये कुतुब मीनार का काफ़ी डिटेलिंग में किया गया काम है, आप देख सकते हैं। और बहुत सारी पेंटिंग्स हैं यहाँ पे, आप ये पूरा एक शो एक बार में देख सकते हो इस जगह पे। और ये काफ़ी अच्छा कोलाज वर्क है, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे एक स्टिल लाइफ में वर्क किया गया है, आप देख सकते हो। हेलो, मेरा नाम श्रेया खंडेलवाल है। मैं इस आर्ट गैलरी में, आर्टिजन आर्ट गैलरी में विज़िट करने आई थी। यहाँ पे ग्रुप शो लगा है, ऑल दो लोग सपोर्ट करते हैं कि आप सोलो शो करो या फिर आप अपना बहुत सारा आर्ट वर्क बना लो देन उसके बाद डिस्प्ले करो, बट यहाँ पे ग्रुप शो है, सब ने 3-4, किसी ने थोड़ी ज़्यादा पेंटिंग भी कलेक्ट करके लगाई है। बहुत अच्छा आर्ट शो लगा हुआ है, इवन मेरे एक फ्रेंड है समर्थ श्रीवास्तव, उसका भी पेंटिंग लगा है, यहाँ डिस्प्ले पर लगा है, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा काम किया उसने, और नंबर में सिर्फ 4 पेंटिंग्स है, ऐसा नहीं है कि पूरा हॉल बुक करके आपको लगाना है, क्योंकि उस टाइम पर जब न्यू आर्टिस्ट होते हैं वो काम करते हैं तो उनको लगता है कि इतना सारा फंड कहाँ से जनरेट करें जिससे वो अपना सोलो शो लगा सके, लेकिन जब ग्रुप शो लगाते हैं, आप कॉन्ट्री करते हैं, तो आप बहुत इजीली सबके साथ कॉन्ट्री करके अपना शो सबके साथ डिस्प्ले कर सकते हैं, धीरे धीरे आप अपना काम बढ़ा सकते हैं, सोलो शो पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने यहाँ पे एग्जीबिशन लगाया है मराठी आर्ट हाउस के थ्रू प्यारेलाल भवन में, और ये मेरी पेंटिंग है एक्रेलिक में। इसका टाइटल मैंने दिया है पेपर। पेपर इसलिए क्योंकि पेपर जो होता है वो हम लोग की आइडेंटिटी को सिग्निफाई करता है आज के दौर पे, उसकी सारी जैसे आई कार्ड वगैरह जो कुछ भी होता है वो सारी चीज़ें जो पेपर पे हैं उसी की वजह से आज हम लोग अपनी एग्जिस्टेंस जो है उसको प्रूव कर सकते हैं, उसके बगैर हम लोग की एग्जिस्टेंस को प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसमें जो मैंने दिखाया अपने आप को मेडिटेट करते हुए और पेपर से घिरा हुआ हूँ और कहीं कहीं से इनकम्प्लीट हूँ, तो वो सारी चीज़ें उसी को दर्शा रही हैं। तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है एक्रेलिक का। किसी पेंटिंग में देखो आप, जैसा इंसान होगा वैसे कलर उठाना शुरू कर देते हैं।